हेलो गाइस, मैं हूँ विशाल और आज मैं फिर से आ गया हूँ एक और नया स्केट एक्सपेरिमेंट लेकर। और मुझे लगता है कि ऐसा एक्सपेरिमेंट शायद ही किसी ने किया होगा, क्योंकि यार आज हम हमारे जो एडजस्टेबल रोलर स्केट होते हैं ये वाले, इनको हम स्पीड स्केट में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो गाइस यार इनके जो व्हील्स हैं उनको चेंज करके, क्योंकि इनके जो व्हील्स होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं, इसी कारण इनकी जो स्पीड है वो कम रहती है, सिर्फ सीखने के हिसाब से रहती है। तो इनकी जगह पर हम मेरे जो ये हाइपर स्केट्स हैं, मतलब क्वाड स्केट्स हैं, इनके जो व्हील्स हैं उनको हम इसमें लगा देंगे एडजस्टेबल रोलर स्केट में। तो मेरे अंदाज से तो ऑब्वियसली इसकी स्पीड बढ़नी ही चाहिए। पहली बार कर रहा हूँ तो मुझे भी कुछ आइडिया नहीं है, आपके साथ में ही इसका भी एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ मैं, तो देखते हैं क्या होता है। तो चलिए फटाफट से इनको इनमें डाल देते हैं, ये वाले व्हील्स को इनमें लगाते हैं। लेकिन इससे पहले मैं इनकी अभी नॉर्मल स्पीड क्या आ रही है यही व्हील्स के साथ में, वो चेक कर लेता हूँ, और फिर बाद में हम इसमें स्पीड भी लगाएंगे और फिर चेक करेंगे, तो भी पता चलेगा कि इसमें इसकी स्पीड बढ़ी है या फिर नहीं बढ़ी है। तो चलिए पहले इसको चेक कर लेते हैं नॉर्मल व्हील्स के साथ में, इसकी स्पीड क्या आ रही है। तो गाइस मैं अभी आ गया हूँ डामर वाले रोड पर, एकदम स्मूथ रोड है, घर के पास भी रोड है लेकिन वो थोड़ा उबड़ खाबड़ है और मिट्टी वगैरह लगी हुई है, तो रोलर जो एडजस्टेबल रोलर स्केट के व्हील है वो वैसी जगह पर चलते नहीं, इसलिए यहाँ पर आना पड़ा, थोड़ा दूर आना पड़ा। तो चलिए एडजस्टेबल रोलर स्केट के ओरिजिनल व्हील के साथ में स्पीड टेस्ट कर लेते हैं। तो गाइस अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ स्पीडोमीटर को और फिर हम चलते हैं। ये हो गया चालू, लेट्स गो गाइस। तो गाइस आपने एडजस्टेबल रोलर स्केट की उसके ओरिजिनल व्हील के साथ में स्पीड टेस्ट तो देख ही लिया होगा, 21 समथिंग स्पीड आ रही है, थोड़ी ज़्यादा भी आ सकती थी लेकिन मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था इसलिए शायद कम स्पीड आई है। तो फिर भी थोड़े हार्ड थे यार, क्योंकि मैं जब चलाते चलाते खड़े हो रहा था तो वो चलते चलते थोड़ी दूर जाते हैं और फिर रुक जाते हैं, तो इतने फ्री व्हील्स नहीं है। तो अब हमको स्पीड टेस्ट करना है स्पीड व्हील के साथ में, तो पहले तो स्पीड व्हील्स लगाने पड़ेंगे। तो चलिए पहले स्पीड व्हील लगा लेते हैं और फिर उसका भी टेस्ट करते हैं। तो गाइस मैंने सारे स्पीड व्हील्स यहाँ पर लगा दिए हैं, आप देख सकते हैं, और इनके जो पुराने व्हील्स हैं इनके ओरिजिनल व्हील्स वो यहाँ पर रखे हुए ये रखे हैं, और मुझे इनकी ये रिंग्स वगैरह निकालनी पड़ी क्योंकि इनका जो ये नट है वो कसा नहीं रहा था सही से, इसलिए थोड़ी दिक्कत आ रही थी। तो मैंने ये रिंग्स वगैरह निकाल दी है और पूरा मैंने यहीं पर खोल खाल के वापस इनमें कसे हुए हैं व्हील्स, स्कूटी पर ही पूरा कर दिया है। तो ये अब बन चुके हैं स्पीड स्केट्स, और चलिए इनकी भी अब स्पीड टेस्ट करते हैं। तो गाइस अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सेकेंड ट्रिप स्पीड व्हील के साथ में, हो चुका है स्टार्ट, और लेट्स गो गाइस। तो गाइस यार स्पीड तो 26 ही आ रही है, लेकिन इससे ज़्यादा भी आ सकती है, लेकिन इससे ये मतलब इनको मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। एडजस्टेबल रोलर स्केट थोड़े इनकी बनावट थोड़ी अलग है, लो स्पीड के हिसाब से है तो बहुत जल्दी इधर उधर टर्न हो जाते हैं, तो दिक्कत आ रही है। फिर भी मैं एक बार और ट्राई कर लेता हूँ वापस जाते हुए स्पीड लेने की, 26 को भी क्रॉस करने की ट्राई कर लेता हूँ। तो फिर से एक बार और ट्राई कर रहा हूँ मैं, हो चुका है स्टार्ट, और चलिए गाइस। गाइस मैंने दो बार स्पीड टेस्ट किया स्पीड व्हील के साथ में, लेकिन 26 की स्पीड को मैं क्रॉस नहीं कर पाया, तो
तो ऐसा नहीं है कि स्पीड बड़ी नहीं है स्केट की, स्केट तो 30 तक भी चले जाएंगे, लेकिन दिक्कत यह आ रही है कि जो स्केट है एडजस्टेबल रोलर स्केट है ना, उस कारण वो लूज भी रहते हैं और उनमें पुश करने में दिक्कत आ रही, मेन प्रॉब्लम यह आ रही है। तो मैं पुश करते करते भी थोड़ा पैर लड़खड़ा रहे थे, आपने देखा कि नहीं, देखा होगा शायद, मैं पुश कर रहा था तब मेरे पैर लड़खड़ा रहे थे, गिरने जैसी स्थिति हो गई थी, तो वही दिक्कत आ रही है। वरना स्पीड तो अच्छी खासी बढ़ चुकी है, जो नॉर्मल हाइपर स्केट आते हैं उसकी जैसी ही स्पीड है, लेकिन वो कंट्रोल नहीं होगी, ये दिक्कत आ रही है, पुश लेने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि यार उसके जो अगले व्हील्स है वो भी पीछे की ओर है, मतलब जो पंजा रहता है उससे भी थोड़ा पीछे है, तो वहाँ पुश लेने में दिक्कत आती है और ब्रेक वगैरह भी टकराते हैं, ये दिक्कत आ रही है। लेकिन फिर भी स्पीड तो बड़ी है यार, क्योंकि जब मैंने पहले वाले व्हील्स के साथ में स्पीड टेस्ट किया था तब 21 की स्पीड आई थी मैक्सिमम स्पीड, लेकिन स्पीड व्हील के साथ में 26 की स्पीड आई है, मतलब 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में थोड़ा इंप्रूवमेंट आया है। तो इतनी स्पीड बढ़ चुकी है और ज़्यादा भी आ सकती थी, लेकिन उनको कंट्रोल करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, पुश लेने में दिक्कत आ रही है। तो गाइस यार आज का आपको स्केट एक्सपेरिमेंट कैसा लगा बताना कमेंट में, और अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर देना वीडियो को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कहीं और स्केटिंग करते हुए या फिर इसी तरह से कुछ नया एक्सपेरिमेंट करते हुए। तो बाय गाइस।